हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अपने ही सब्सक्राइबर के कमेंट के आंसर को। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि जब भी ये सेल करते हैं तो इनको क्लियर नहीं हो पाता कि वो आइटम जो है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट पीसेज में है, उसकी यूनिट जो है केजीज में है, किस में है, इनको क्लियर नहीं हो पाता। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में इसका सोल्यूशन क्या है। तो जब भी आप सेल एंट्री करते हैं और जैसे ही सेल एंट्री करेंगे, जैसे कि हम पार्टी सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे जब आइटम का सिलेक्शन आप करेंगे, तो आइटम सिलेक्शन करने से पहले आपको वो सारी डिटेल शो हो जाती है कि आइटम का नाम क्या है, पैकिंग क्या है, उसका स्टॉक कितना है, उसकी यूनिट क्या है और उसका प्राइस क्या है। तो जब आप आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है जो आपको देना है अपने कस्टमर को। सपोज कि मुझे ये आइटम अगर देना है, ये पीसेज में है, तो मैं इसको कितने पीसेज देना चाहता हूँ। ये आइटम एक्सपायर है, हम कोई और आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आइटम देख लेते हैं। तो ये आइटम हमें क्लियर है कि ये आइटम पीसेज में है, तो मुझे कितने पीस सेल करने हैं, मैं इस तरीके से इसको मेंशन करूंगा। और पीसेस कहाँ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आप अगर देख पा रहे हो मेरा माउस पॉइंटर, तो ये पीसेज में है। और अगर मुझे ये आइटम सेल करना है तो ये बॉक्स में है। अब मैं जैसे इसको एंटर करूंगा किस बैच का मुझे सेल करना है और उसके बाद कितने बॉक्स मुझे सेल करने हैं, तो यहाँ पे आइटम सिलेक्शन के पहले ही आपको क्या है, पैकिंग, उसका स्टॉक, उसकी जो भी यूनिट है, यूनिट आपको शो हो जाती है। अब यहाँ तक तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर है कि ये तो हमारे इंटरनल के लिए है कि हम इंटरनली जो है उनको बिल बना रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि ये पीसेज है, बॉक्सेज है, इस तरीके से। बट जब हम बिलिंग करते हैं और बिलिंग करने के बाद जब हम इसको सेव कर रहे हैं, जैसे कि हमने इसको सेव किया और जो हम बिल निकालते हैं, ये बिल निकालते हैं, और ये बिल जब कस्टमर के पास जाता है तब वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो ये आइटम है ये पीसेस में है या केजी में है या बॉक्स में है या इसकी यूनिट क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जो है बिल फॉर्मेट के पर्पस पे काम करना होता है। तो जहां पर भी जो है क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा हुआ है, उस क्वांटिटी के फॉर्मूले में हम ये डिफाइन करेंगे कि यूनिट के साथ जो है उसका जो क्वांटिटी है मेन, वो शो हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए जो है जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ आप यही फॉलो करें। उसके जो भी अंदर और भी जो चीजें हैं एक्स्ट्रा, उसको आप बिल्कुल ना ही उसको छेड़ें, नहीं तो आपके बिल फॉर्मेट में दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते हैं और आप अपने डीलर से कॉन्टैक्ट करेंगे कि ये मिस जो है हो गया इसमें, तो वो आपसे इसके लिए चार्ज भी कर सकता है। तो जितना इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ आप उसी को फॉलो करें। आपको जो है मास्टर के मेनू में आना है, मार्क सेटअप, और उसके बाद सेल फॉर्मेट, सेल फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे और जो भी करंट डेट, सपोज ये तो मैं 9 सितंबर को बना रहा हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो आप कभी और देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको करंट डेट ही मेंशन करना है। जैसे कि करंट डेट आज है, तो इस करंट डेट को मेंशन भी कैसे करना है, ये आपको जो है रिवर्स में एंटर करना है। यहाँ पे रिवर्स में देखिए कैसे, जैसे कि 9 सितंबर 2022, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे सबसे पहले ईयर, तो ईयर मैंने मेंटेन किया 2022। उसके बाद जो है मंथ, तो मैंने यह मंथ एंटर किया, जो सितंबर का जो मंथ होता है वो 9 मंथ होता है, तो यहाँ पे 9 मैंने एंटर किया। उसके बाद जो है आज हमारी जो डेट है, जो तारीख है, वो भी 9 है। उसके बाद आपको एंटर करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आना है इनवॉइस फॉर्मेट, सेकंड इनवॉइस फॉर्मेट GUI, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होगा आपके इनवॉइस फॉर्मेट का, वो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे इनवॉइस फॉर्मेट यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं और आपको कंफ्यूजन बढ़ रहा है कि कौन से वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप जब बिल का प्रिंट निकालेंगे, तो जब बिल का प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट डैश GUI डैश, और वो दो कैरेक्टर आपको शो होंगे जो आपका फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट सेट है, जिसपे आपका बिल जो है आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए हम तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे पहचानना कैसे है कि कौन सा फॉर्मेट है। अब दोबारा से सेम लोकेशन पे आते हैं, मास्टर, मार्क सेटअप और सेल्फ फॉर्मेट। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर देंगे उसको, तो जब तक सॉफ्टवेयर आप क्लोज नहीं करेंगे या कंपनी चेंज नहीं करेंगे, तब तक फिर दोबारा से आपसे ये पासवर्ड पूछेगा नहीं। उसके बाद आप एंटर करें सेम उसी लोकेशन पे, और यहाँ पे आप वो जो दो कैरेक्टर है, सपोज ये नहीं है, वो इनमें से कोई है, तो आप वो दो कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखें, कोई और आप इसके अंदर जो है छेड़ाखानी ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आपको सिर्फ वही स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। आप बिल फॉर्मेट में आएंगे, उसके बाद आपको आइटम पे आना है, और आइटम पे आने के बाद देखो दोस्तों सेकेंड लाइन, हो सकता है कि ये लाइन जो आपके पास बिल फॉर्मेट है सेकेंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, कहीं भी हो सकती है। आपको जो है ये फाइंड करना है
जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो है सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, चाहे आप हाफ बिल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं या आपने कस्टमाइज करा रखा है या किसी भी तरीके से कोई भी फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी हम ये सेट करते हैं कि वहां पे टोटल क्वांटिटी आपको शो हो। तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो फाइंड करना है। फाइंड किसे करेंगे आप, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टी ओ टी क्यू टी या क्यू टी वाई, इस तरीके से आपको शो होगा। तो इसको फाइंड करना है और इसको सिलेक्ट करना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया है जहां से सिलेक्ट किया है उतना ही आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से कीबोर्ड से आपको अपने F1 प्रेस करना है, अगर आपके पास स्मार्ट कीबोर्ड है या स्मार्ट लैपटॉप है तो FN के साथ कभी कभी ये यूज होता है, तो FN के साथ आप यूज कर सकते हैं F1 को। तो मैंने यहाँ पे F1 की कमांड यूज करी है और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्वांटिटी यूनिट। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है क्वांटिटी विद यूनिट। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट में हमें शो हो रहा है क्वांटिटी विद यूनिट, आप इस पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना है। अब जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे, अब इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल W से। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल W किया और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया सेव पे। दोस्तों अगर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो आप वीडियो को जो है फ्लेक्सिबल वीडियो आप उसको पीछे करके दोबारा से देखें, बट कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं और अपने डीलर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो डीलर इस चीज के लिए आपसे चार्ज ले सकता है। उसके बाद आप इसको स्केप करें, स्केप करें, स्केप, और जो हमने अभी बिल जनरेट किया है अब हम वहां पे जाते हैं और प्रिंट और प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए आपका ये कंसर्न क्लियर हो गया होगा और जो हमारे यूजर हैं जिन्होंने इस चीज के लिए कमेंट किया उनका भी जो है ये क्लियर हो गया होगा कंसर्न। अब जिसको भी आप प्रिंट दे रहे हैं अब उसको बिल्कुल कंफर्मेशन हो रहा है कि जो वो आइटम ले रहा है, जो उसको मिले हैं क्वांटिटी, जैसे कि 5 मिले तो 5 क्या मिले, पीस मिले। और ये कहाँ से पिकअप होगी, जो आपका आइटम सिलेक्शन से पहले आप आइटम सिलेक्ट करते हैं वहां की जो यूनिट शो हो रही है आपको, वही यूनिट आपके बिल फॉर्मेट में शो होगी। तो देखिए 5 पीसेज हैं इस आइटम के और 2 बॉक्सेस हैं, तो बहुत क्लियर हो रहा है। अगर आपका डिलीवरी स्टाफ है या फिर आपका जो कस्टमर है, अब इन दोनों को कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा यूनिट को लेकर। आई होप दोस्तों कि ये जो है क्लियर हो पाया होगा आपका और आप वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर फिर भी इस चीज से रिलेटेड और भी कोई कमेंट्स हो आपका, तो इसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।